हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर कैसे लगाएं, इसके बारे में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आपको बता दें हम डिस्क्लेमर क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी वीडियो हम एडिट करते हैं, उसमें कोई फ़ोटो या म्यूजिक ऐड करते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो उससे दोस्तों कॉपीराइट का क्लेम भी आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर ऐड करते हैं। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं, कहाँ से आपको कॉपी करके अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना है और कहाँ इसे परमानेंटली के लिए हमेशा सेव कर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। अगर आप भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लगाना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड करने पर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है YouTube डिस्क्लेमर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे ही आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई देगा सपोर्ट google.com, ठीक है। आपको इसी पे क्लिक कर देना है, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आपको कहाँ से कॉपी करना है आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ से जो दिखाई दे रहा है कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक 1976 अलाउंसेंस इज मेड, ठीक है। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। आपको कॉपी करने के लिए दोस्तों आपको जो आपका उंगली है दोस्तों यहाँ कुछ सीखने के लिए टच कर देना है। तो जैसे टच करेंगे दोस्तों यहाँ कॉपी का भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो देख सकते हैं तो आपको पूरा कॉपी करना है, ठीक है। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है दोस्तों, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देना है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। आप सीधे बैक आ जाइएगा। जैसे बैक आएँगे दोस्तों आपको YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे आप YT स्टूडियो ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीडियो जो दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं भी पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना उंगली कुछ सीखने के लिए टच कर देते हैं। तो पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है और आपको दोस्तों यहाँ से सेव कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे सेव करेंगे दोस्तों आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। आप कॉपी करके कहाँ हमेशा के लिए ऐड करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में एक नोट्स रहेगा, आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लिख देना है डिस्क्लेमर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कॉपी कर लेना है। जैसे पेस्ट करेंगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आपको सेव कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो चुका है। तो आप इस तरह से कॉपी करके दोस्तों अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।